लेकिन सवाल यह है कि जयशंकर वहां पे है न्यूयॉर्क में। अच्छा, कल पाकिस्तान को भी बहुत बात करने दी, अब आज फिर वो दो सेशन होने हैं कोई, ये बच्चा सक्का वाले काम है, ये थोड़े से दिन की जो है वो आदमी इंसान के पास हुक्मरानी आती है, कोई पावर आती है। पहली सितंबर तक के लिए उनके पास जनरल असेंबली की जो काउंसिल है उसकी उसकी सदारत है, उसके बाद आयरलैंड के पास चली जाएगी पहली सितंबर से। इसकी जो सदारत है सलामती काउंसिल की वो आयरलैंड के पास चली जाएगी पहली सितंबर से। तो कितने दिन रह गए आज? 13 दिन। अब 13 दिनों में जनाब उन्होंने वहां पे क्या गोल खोपड़ा, और उसकी हैसियत, उस डिबेटिंग क्लब की हैसियत क्या है भाई? आप क्या लिबनान का फैसला कर सकते हैं हिजबुल्ला के बगैर? आप क्या अफगानिस्तान का फैसला कर सकते हैं जो है वो तालिबान के बगैर? आप जो मर्जी कर लें, आप कश्मीर का फैसला कर सकते हैं वहां पे जो हुरियत कॉन्फ्रेंस या बाकी जो इत्तेजाद करने वाले बच्चे हैं, या जो महबूबा मुफ्ती और जो वहां के हुरियत रहनुमा, या उनसे हटके जो बाकी लोग हैं वहां पे, उनको हटा के सबको आप कर सकते हैं कश्मीर का? आप छोड़ दें, आप उधर कर सकते थे फैसला जब तक आप वो बागियों से नागालैंड के उनके अंदर से एक पार्टी को ना निकालते और उनको साथ ना मिलाते। आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। देखें, जो बात, जो जंगें मैदानों में जीत ली जाती हैं वो मेजों पे नहीं हारी जाती। बिल्कुल ठीक है। ये मैदानों में जीत कर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कागज के शेर नहीं है, ये कागज के शेर हैं ये, कि इनसे बैठ के आप वो ऐसे कर लो जी, पावर पॉइंट पे मैं बताता हूं ना कि कैसे चलेगा अफगानिस्तान में, जमहूरियत कैसे आएगी, तो वो पाकिस्तान के अंदर कैसा सेटअप। तो भाई जिसने मैदान फतह किए हैं वो आपके, अब इस मरहले पे आप जो हैं वो इसको, ये एक मिनट, ये मोदी कौन है? मोदी कौन? इसको हमने कहा था बुचर ऑफ गुजरात, अमेरिका ने कहा था, किससे बात की थी? बैन कर दिया था, ठीक है ना, कत्लेआम। और सबसे ज्यादा मगरबी मीडिया ही उस वक्त इतनी खबो खुदा की पना, जो 2002-03 में इनके बारे में, और उसके बाद हुई चुप्पी। तो बात ही है सारी कि भाई आप जो हैं वो पहले अपने आप को देखें, और साजिशें छोटी छोटी चालाकियां बंद करें करना। चीज क्या चालाकी? छोटी छोटी चालाकियां वहां पे जिन लोगों को पना दे रहे हैं, बुला रहे हैं, वो इंसानी हकूक के लोग हैं। ये हमारे लोग हैं, क्या हमारे लोग कौन से थे जो वहां पे काम करते थे? हमारे लिए क्या काम करते थे? मतलब खिदमत खल कमेटी चलाते थे वहां पे, कोई खाना खिलाते थे गरीबों को? नहीं, सेल चलाते थे, हमारे लिए स्पाइंग करते थे, हमारे लिए जो फलाना बम धमाके ये वो। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो के ग्रे जोन में जंगें दाखिल हो गई हैं और ये सारी चीजें, सैंक्शंस और पाबंदियां और एनजीओज और ये सारा, लेकिन सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब आप आंखों से देखते हैं। तालिबान का टेस्ट है और दुनिया का भी ये टेस्ट है कि इनको उसी पैमाने में रख के देखें जिस पैमाने में दुनिया की बेहतरीन जमहूरियतों को रख के देखते हैं।